हेलो बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 कवर करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.2 का क्लास 6 का है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड, मतलब ये जो डेसिमल्स दिया है, जो डेसिमल्स दिया है उसको वर्ड में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 0.03, तो मैंने अभी जो बोला 0.03 उसको लिखना है, वो होता है वर्ड्स में लिखना। तो ये कितना है 0.03, तो इसको वर्ड्स में हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.03। तो ये वाला हुआ वर्ड्स में इसको लिखना बोलते हैं, और ये हुआ डेसिमल्स में। याद रखिए, ये है डेसिमल और ये है वर्ड्स। उसके बाद दिया है 1.20, तो 1.20, तो मैंने जैसे बोला 1.20, तो ये हो गया वर्ड्स में। बाकी के आप खुद करिएगा, अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी सी का मैं एक बता देती हूँ, बाकी के सारे आप करिएगा। सी में दिया है 108.56, तो हमेशा याद रखिए ये क्या है, पॉइंट से पहले वाला नंबर, ये क्या है 108, तो उसको सेम लिखेंगे 108 हो गया। उसके बाद क्या है 108 पॉइंट, तो यहां लिखेंगे पॉइंट 108 पॉइंट। ये क्या हुआ 56, लेकिन इसको 56 नहीं बोलते, इसको बोलते हैं 56। हमेशा याद रखिए 108 को पॉइंट से पहले वाले नंबर को 108 बोलते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद वाले नंबर को सिंगल सिंगल डिजिट प्रोनाउंस होता है। 5 यहाँ पे क्या दिया है 58, तो यहाँ पे लिखेंगे 56। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। मैंने ए बी सी कर दिया, डी ई एफ आप खुद करिएगा, अगर कुछ डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई, मतलब इसमें दिया है बिटवीन विच टू नंबर्स, मतलब कौन से दो नंबर्स के बीच में जो 10th प्लेस वाला नंबर है। 10th प्लेस क्या है, पॉइंट यहाँ पे लगा है तो उसके बाद वाला नंबर 10th प्लेस। जैसे इसमें 0 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें 5 है, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर जो होता है वो 10th प्लेस होता है। तो बिटवीन विच टू नंबर्स इन द 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई, मतलब 0.06 जो दिया है उसमें 10th प्लेस में क्या है 0, तो वो कौन से दो नंबर के बीच में लाई करता है, दो नंबर कौन से दो नंबर के बीच में लाई करता है। तो इसमें 0.06 है, तो ये क्या है 0 है, तो ये कहाँ पे लाई करता होगा, इसमें दो नंबर कौन कौन से बीच में आता है, ये 0 से शुरू है तो वो 0 हो गया, और ये बाकी क्या होगा 0.1 होगा, 0.1। तो यहाँ पे क्या करना है, एक नंबर बढ़ा कर लिखना है, मतलब 0 है तो उससे ज्यादा क्या 1, तो वो होगा 0.1 में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 0.06 लाई बिटवीन, किसके बीच में आता है 0 एंड 0.1, 0.06 लाई बिटवीन 0 एंड 0.1। आई होप आपको ए समझ आया होगा। वैसे ही मैं आपको बी करके बताती हूँ। बी में क्या दिया है 0.045 दिया है, तो 0.45 दिया गया है, तो ये कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, ये जो 4 दिया है तो यहाँ पे ये क्या आएगा 0.4, सेम फर्स्ट 0.4 से किसके बीच में आएगा 0.5 के बीच में। कैसे पता चला मुझे 0.4 फर्स्ट
जो स्टार्टिंग दिया होगा वो तो फर्स्ट वाला ही नंबर हो जाएगा। तो ये 0.4, 0.4 हो गया। उसके बाद 0.5 कहाँ से आया? मैंने नंबर लाइन में जब आप देखोगे यहाँ पे प्लस वन कर दिया मैंने, 0.4 प्लस वन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 0.5 हो गया। तो ये कहाँ पे आ रहा है, 0.4 और 0.5 के बीच में? तो बी में मैं लिख दूंगी 0.45 लाई बिटवीन 0.4 एंड 0.5। आई होप आपको ए और बी समझ आया होगा। सी डी ई एफ आप खुद करिएगा, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 0.19 दिया है, तो ये किस किस के नंबर के बीच में आएगा? 0.1 तो पहले वाला जो नंबर आएगा 0.1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 0.2 के बीच में। स्टेटमेंट आप सेम लिखिएगा, 0.19 दिया है, 0.1 फर्स्ट यही नंबर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, 0.1 के बाद क्या आता है, 0.2 आता है, तो ये आएगा 0.2 में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है राइट एस फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म, मतलब राइट एस फ्रैक्शन इन सबको फ्रैक्शन में लिखना है और लोएस्ट टर्म में लिखना है, इन लोएस्ट टर्म मतलब लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो ए में क्या दिया है, 0.60, 0.60 तो ये क्या हुआ, 60/100 हो गया। यहाँ पे टू डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, टू डिजिट है, तो यहाँ पे 2 जीरोस दिया मैंने, तो ये क्या हुआ, 60/100 हो गया। 60/100 को अब मेरे को लोएस्ट टर्म में करना है। अब देखिए 60/100 मुझे पता है ये 10 के टेबल में आता है, तो 10 के टेबल में आता है, तो 10 के टेबल में 60 कहाँ आता है, 10 6 60 होता है। 10 के टेबल में 100 कहाँ आता है, 10 10 100 होता है। 10 के टेबल में 60 कहाँ आता है, 10 6 10 10 100। उसके बाद 6/10 है, 6/10 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, कहाँ पे, 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 3 6, 2 के टेबल में 5 10 कहाँ आता है, 2 5 10, तो ये हो गया 3/5। आई होप आपको ए समझ आया होगा। अब मैं कर कर बताऊंगी बी का। बी में क्या दिया है, 0.05, तो ये कितना होगा, 0.05, ये कितना है, 5 लिखा है, तो मैंने ऊपर 5 लिख दिया। पॉइंट के बाद कितना नंबर्स है, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट है, तो 2 जीरो लग गया। 5 के टेबल में 5 और 100, 5 के टेबल में 5 भी आता है, 100 भी आता है, तो मैं इसको क्या करूंगी, 5 से डिवाइड करूंगी। 5 के टेबल में 5 कहाँ आता है, 5 1 जा 5, 5 के टेबल में 100 कहाँ आता है, 5 2 20 जा 100, तो मैंने ये वाला लोएस्ट टर्म में निकाल दिया। लोएस्ट टर्म का अगर आपको कुछ डाउट है, मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, लोएस्ट टर्म का वीडियो है, वीडियो का लिंक दिया है मैंने, आप उसमें चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसमें भी अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज 8.2 खत्म होता है। मैंने ए और बी किया है, सी डी ई एफ जी आप खुद करिएगा, कुछ डाउट है तो मुझसे पूछिएगा। अगर अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, प्लीज शेयर करिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।